जयपुर वेटरनरी कॉलेज के 5 छात्र सवाई माधोपुर रणथंबोर में भ्रमण के लिए आए, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि यहां का भ्रमण उनके संपूर्ण जीवन को दुखदायी करते हुए एक साथी को उनसे हमेशा के लिए जुदा कर देगा। ये छात्र रणथंबोर किले पर स्थित बाराखंबा छतरी से आगे गुप्त गंगा की ओर भ्रमण करते हुए एक तालाब के पास रुके। मिली जानकारी के अनुसार ये छात्र तालाब किनारे पर नहाने के इरादे से गए और उसी दौरान अचानक एक साथी कृष्ण कुमार का पैर फिसलने से वे तालाब के अंदर गहरे पानी में चला गया। उसके एक साथी ने कृष्ण को पानी से निकालने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। छात्रों ने मदद के लिए आवाजें लगाई और फिर फॉरेस्ट चौकी को जानकारी दी। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद कृष्ण कुमार को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। कोतवाली थानाधिकारी नेमी चंद के अनुसार कृष्ण कुमार के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस मौके पर मृतक कृष्ण कुमार के साथी ब्रजेश मीणा ने बताया। करके उधर आज जा रहे थे, मतलब इधर क्या आए थे मुझे पता नहीं है। मैं सवाई माधोपुर खंडार गाँव सर, तो फिर उधर चले गए तो हमें छतरी का पता था, तालाब का पता नहीं था। तो हमें प्यास लग रही थी, तो फिर बोले हाथ पैर धोने के लिए चलते हैं, तो चले गए सर। तो ये कपड़े खोल के ये दोनों पानी में उड़ रहे थे, तो हम इधर बैठे थे दूर। तो फिर सर वो पानी उछाल रहा था, तो फिर बाहर निकले, फिर दोबारा उड़ा ना, तो फिर पानी उछाल रहा था ना, उल्टा गिर गया। तो सर ये पास में था, मैं दूर बैठा था, तो मुझे तैरना आता नहीं, पर मैं सर कूद गया भग के उसको निकालने के लिए। मेरा हाथ भी पकड़ में आ गया था सर उसके लिए, तो सर मैं भी अंदर चला गया था। फिर दोबारा मेरे से छूट गया सर, वो निकला ही नहीं सर। फिर वो डेप्थ ज्यादा थी सर पानी की, इस वजह से सर वो, फिर हमने आवाज लगाई वहाँ लोगों को, चिल्लाने लगे, कोई किसी को तैरना नहीं आता था। 15-20 मिनट में एक भैया आया, तो उनको कूदा कि हम पैसे दे देंगे, कितने भी निकाल दो। तो फिर उनको कूदे, उनको मिला ही नहीं सर। फिर एक डेढ़ घंटा हमने वहाँ, कोई पुलिस दूर नीचे आना पड़ा मुझे सर, दवा नीचे आया। फिर मृतक का कृष्ण कुमार था, तो उन्हें वेटनरी मतलब ट्रेनिंग चल रही कॉलेज में, वेटनरी डॉक्टर के। ये वेटनरी कॉलेज जयपुर के 5 लड़के थे जो कल घूमने के लिए यहाँ रणथंबोर आए थे। आज जंगल जाने के बाद गणेश जी मंदिर के आगे फॉरेस्ट में तालाब है, वहाँ पे ये लोग नहा रहे थे, नहाने के लिए गए थे, और नहाने के दौरान ही पैर फिसलने से एक्सीडेंटल प्रथम दृष्टया उसकी सामने आई, एक लड़का डूब गया। इन्हीं लड़कों में से किसी दूसरे लड़के ने आके फॉरेस्ट की चौकी को इन्फॉर्म किया, उनकी इन्फॉर्म से हम लोग गए थे। लड़के को काफ़ी डीप में जाने के कारण होता है, मदद से वहाँ निकला है, लेके आए हैं। डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, मॉर्निंग में परिजनों सूचित कर दिया है, उनके बाद आने के बाद पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी पोस्टमार्टम में जो भी स्थिति होगी वो जाँच की जाएगी। मृतक ये कृष्ण कुमार है, इधर है वेटनरी कॉलेज जयपुर का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और बाकी सभी लोग भी साथी इनके वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट ही हैं। ये माजीपुरा गाँव है, जमोरामगढ़ में, वहाँ का रहने वाला है।